अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स ग्रेग शॉर्टहैंड के पहले लेक्चर में आप लोगों को वेलकम करते हैं। इस लेक्चर को सुनने के बाद इंशाल्लाह आप लोग किसी भी वर्ड को लिख और पढ़ सकेंगे। और आप लोगों को स्टूडेंट्स बताता चलूं कि ये हमारा 30 दिनों का जो शॉर्टहैंड कोर्स है, इसको जब आप लोग कंप्लीट कर लेंगे तो इंशाल्लाह आप लोग एक मिनट में 80+ वर्ड जो हैं आसानी के साथ लिख लेंगे। तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने जब ये लेक्चर कंप्लीट सुनना है और आप लोगों ने इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन देखनी है, वहां पे हम लोगों ने पहला जो लेसन है इसकी पीडीएफ फाइल जो है ये भी दे दी है, आप लोग उसको डाउनलोड कीजिएगा। और साथ साथ आप लोग हमारे लेक्चर सुने और साथ आप लोग जो है वो जो पीडीएफ फाइल है वहां से आप लोग प्रिंट कॉपी निकाल के आप लोग रखते जाएं और कंप्लीट नोट्स आप लोगों के इसी तरह के ही बन जाएंगे। ये आप लोगों के जो नोट्स सामने हैं इसी तरह के आप लोगों के नोट्स कंप्लीट बन जाएंगे। अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों को ये जो कंप्लीट नोट्स हैं और इसके अलावा ब्रीफ फॉर्म जो हैं और इसके अलावा स्पीड्स की जो एक्सरसाइजेज हैं वो सारी आप लोगों को सेंड कर दूं तो आप लोगों ने कमेंट्स में मुझे बताना है। मेरे पास डिक्शनरीज की हर किस्म का मटेरियल मौजूद है, आप लोगों ने स्टूडेंट्स परेशान नहीं होना। इंशाल्लाह आप लोगों को मुकम्मल गाइड करूंगा और कैसे एग्जाम में आप लोग टॉप लिस्ट में आ सकते हैं इंशाल्लाह सब कुछ आप लोगों को बताऊंगा। तो चलते हैं स्टूडेंट्स, हम लोग पहला लेसन जो है ये देख लेते हैं। पहला लेसन जो है दो लेक्चर्स में जो है कवर होगा, लेसन नंबर वन और लेक्चर नंबर वन, ये हम लिख देते हैं। पहला चैप्टर दो लेक्चर में कंप्लीट होगा। तो स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से लफ्ज हम लोगों ने सीखने हैं। आज हम लोगों ने सबसे पहले के सीखना है। के को हम इस तरह लिखते हैं ऐसे, तो ये हम के जो है इसका ये वाला हिस्सा उठाएंगे ऐसे, हम के को ग्रेग शॉर्टहैंड में इस तरह लिखेंगे। इसके बाद दूसरा है जी, जी को हम इंग्लिश में इस तरह लिखते हैं। स्टूडेंट्स आप लोगों को बताता चलूं, जैसे किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए उसके अल्फाबेट्स सीखने होते हैं तो इसी तरह ही हमने इसके अल्फाबेट्स सीखने हैं। तो सबसे पहले के अल्फाबेट है, उसके बाद दूसरा जी, जी को हम इस तरह लिखते हैं, इसका हमने ये वाला हिस्सा उठाना है। आई मीन ये जो के है इसका डबल कर देना है तो ये जी को रिप्रेजेंट करेगा। इसके बाद स्टूडेंट्स है आर, आर को हम इस तरह लिखते हैं, तो आर का स्टूडेंट्स आप लोगों ने ये वाला हिस्सा उठाना है, ये वाला इतना हिस्सा उठाना है तो ये इस तरह लिखेंगे। सेम ऐसे ही जैसे ये के है, के को हमने इस तरह लिखा और आर को हमने सेम इसी लेंथ का आर को हमने ये ऊपर की तरफ उठाना है। इसके बाद है एल, स्टूडेंट्स एल को हम इस तरह लिखते हैं तो इसका हमने ये वाला हिस्सा उठाना है, ठीक है, तो हम L को इस तरह लिखेंगे। आई मीन G को हमने इस तरह लिखा था और L को हम इस तरह लिखेंगे, ये ऊपर की तरफ कर्व है नहीं ये नीचे की तरफ कर्व होगा। हम लोगों ने स्टूडेंट्स चार वर्ड आई मीन चार अल्फाबेट्स आज सीखे हैं, K सीखा है, R सीखा है और L सीखा है। इसके बाद स्टूडेंट्स हम सीख लेते हैं N के बारे में। N को हम इस तरह लिखते हैं तो इसका ये वाला हिस्सा हम ये छोटा सा लेना है, ये सीधी लाइन ये एन को शो करेगी। इसके बाद स्टूडेंट्स हम एम को पढ़ लेते हैं, एम को जल्दी में ये थोड़ा सा लंबा कर देना है ये हिस्सा, इसकी लेंथ जितनी है ये हाफ लेंथ की लेंथ जो है ये डबल कर देनी है, ये एम को शो करेगा। आज की इतनी चीजें हम लोगों ने सीखनी है स्टूडेंट्स। दो और चीजें देख लेते हैं, जैसे हम जो है स्टूडेंट्स ए को ऐसे लिखते हैं, इसका ये गोल दायरा हमने लेना है, ये ए को शो करेगा। और इसके बाद स्टूडेंट्स ई जो है ऐसे लिखते हैं, इसका ये वाला जो यहाँ पे कर्व्ड हिस्सा है ये वाला उठाएंगे और ये छोटा जो गोल दायरा है ये ई को शो करेगा। तो स्टूडेंट्स हमने आज क्या क्या चीजें सीखी हैं हम इसको साफ करके लिख लेते हैं। हमने आज के सीखा,
हमने जी सीखा, इसके बाद हमने आर सीखा, इसके बाद हमने एल सीखा, इसके बाद हमने एन सीखा, इसके बाद एम पढ़ा हमने, ए के लिए हम ये बड़ा दायरा लगाएंगे और ई के लिए हम लोग स्टूडेंट्स ये छोटा दायरा लगाएंगे। तो स्टूडेंट्स ये तो थे अल्फाबेट्स, आज हमने सीखे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 अल्फाबेट सीखे। अब हम देखते हैं कि इनसे कैसे नए लफ्ज बन सकते हैं। तो स्टूडेंट्स बड़ा ही इजी है, यहां पे आप लोगों ने गौर से देखना है। ये हम लोग जो है इसको रेज कर लेते हैं। इन्हीं लफ्ज से स्टूडेंट्स हम लोगों ने नए लफ्ज बनाने हैं। हम लोगों ने स्टूडेंट्स लिखना है लफ्ज ई, जिसको चाबी बोलते हैं। तो हम कैसे लिखेंगे स्टूडेंट्स? हमारे पास इस लफ्ज की दो आवाज जो है, ये लफ्ज दो आवाज से प्रोनाउंस हो रहा है। देखिए ये जो ग्रेग शॉर्ट हैंड सिस्टम है, ये फोनेटिक सिस्टम होता है। मतलब हम जैसे बोल रहे होते हैं, लफ्ज को जैसे प्रोनाउंस कर रहे होते हैं, उसी तरह ही हम लोगों ने डिजिट्स साथ लगाते जाना है। हम अगर इंग्लिश में बात करें तो ये लफ्ज तीन हिस्सों से मिलकर बना है, तीन डिजिट से मिलकर बना है। एक के है, ई है और वाई है। हम इसको इसी तरह नहीं लिखना, हमने इसकी जो प्रोनाउंस जब हम करेंगे तो इसकी आवाज कितने लफ्ज से कितने लफ्जों की दे रहा है, तो वो लफ्ज हम लोगों ने यहां पर लिखने हैं। जैसे की है, ये लफ्ज जो है के और ई की दे रहा है, की के और ई की दे रहा है, के और ई की। तो हम लोग यहां पे इसी को ही लिखेंगे, के और ई। यहां पे के हमने इस तरह पढ़ा है और ई इस तरह पढ़ा है, ई ऐसे गोल पढ़ा है, और हम इसको इकट्ठा मिला देते हैं, ये बन जाएगा के ई की। ये लो जो स्टूडेंट्स, एक लफ्ज बड़ा आसानी के साथ, बड़ी आसानी के साथ ये लफ्ज बन गया। इसके बाद हम लिख लेते हैं लफ्ज गेम, गेम लफ्ज लिख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स ये जो लफ्ज गेम है, ये चार अल्फाबेट से मिलकर बना है, जी ए एम और ई। अब ये जो गेम लफ्ज है, हम लोगों ने जैसे प्रोनाउंस करना है, जितने लफ्जों की साउंड दे रहा है हमने उतने लफ्ज ही लिखने हैं। कौन कौन से लफ्ज दे रहा है ये साउंड में? ये जी ए और एम। ई जो है साइलेंट है, जो लफ्ज साइलेंट होगा ग्रेग शॉर्ट हैंड में वो नहीं लिखा जाता, ये स्टूडेंट्स जहन में रखना है बात। अब यहां पे हम लोग गेम दो लफ्ज तीन लफ्जों की साउंड दे रहा है, एक जी ए और एम, हम इकट्ठा करके लिखेंगे इसको जी ए एम, ये स्टूडेंट्स गेम लिखा गया। अब कौन से लफ्ज कैसे कर्व करने हैं ये आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, अभी आप लोगों ने देखना है कि कैसे हम लफ्ज जो है ये बना रहे हैं। इसके बाद हम देख लेते हैं और लफ्ज लिखकर। इसके बाद हम लिखते हैं लफ्ज स्टूडेंट्स इन्हीं लफ्जों से ही, नेम, नेम। अब ये जो नेम है, तीन लफ्जों की साउंड दे रहा है, एन ए और एम, नेम। ई जो है यहां पे साइलेंट है, हम स्टूडेंट्स यहां पे एन लिखेंगे, एन लिखेंगे, ए लिखेंगे, ए हमने ये बड़ा गोल दायरा लगाया था, ए लिखेंगे, और ये जो एन है इसका डबल कर देंगे, ये एम बन जाएगा। ये एम हम पीछे ये पढ़ के आए थे, हम यहां पे इनको इकट्ठा कर देते हैं, ये बन जाएगा नेम, एन ए एम। ये स्टूडेंट्स देखिए बड़ी आसानी के साथ आप लोग कोई भी लफ्ज जो है उसको लिख लेंगे आसानी के साथ। और हम देख लेते हैं स्टूडेंट्स लफ्ज है
RAM, रैम। तो इसको भी देख लेते हैं स्टूडेंट्स, ये साउंड दे रहा है RAM की, ई भी लगा दे चाहे, तो ये ई जो है साइलेंट है, हम इसको नहीं लिखेंगे, आर लिखेंगे, ए लिखेंगे और एम लिखेंगे, रैम। इसके बाद हम लिख लेते हैं स्टूडेंट्स और लफ्ज लिख लेते हैं, और लफ्ज ले देख लेते हैं इनमें, जैसे है लफ्ज ले। अब इसमें भी स्टूडेंट्स LAME की साउंड है, ये हम इस तरह लिखेंगे LAME, ले। और हम देख लेते हैं स्टूडेंट्स, MAL, मैल। तो ये स्टूडेंट्स देख लेते हैं MAL, ये मैल। तो स्टूडेंट्स हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को आज की ये जो लेक्चर है इसकी समझ आ गई होगी। तो नेक्स्ट हम लोग इसी पहला जो लेसन है इसके लेक्चर 2 को देखेंगे। तो स्टूडेंट्स आप लोगों की जो असाइनमेंट है वो ये है कि आप लोगों ने ये जो अल्फाबेट्स आप लोगों को सिखाए हैं इनकी प्रिपरेशन करनी है, इनको तैयार करना है, लिखना है। आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों के पास एक पेंसिल होनी चाहिए, और पेंसिल आप लोगों ने नहीं लेनी, आप लोग चाहे या पॉइंटर ले लें या जेल बॉल पॉइंट ले लें। जेल बॉल पॉइंट जो है उसमें स्पीड ज्यादा होती है। आप लोग एक रजिस्टर ले लें, जेल बॉल पॉइंट ले लें, और आप लोगों ने कुछ भी नहीं लेना। आप लोगों ने क्या करना है, एक पेज पर इसको लिखना है और इसकी प्रैक्टिस करनी है, तकरीबन एक पेज पूरा भर लें इसकी। इसमें ये होगा कि आपकी रवानी हो जाएगी लिखने में, फिर जी को दूसरे पेज पे लिख लें, इसको लिखना शुरू करें, प्रैक्टिस करें, फिर इसको लिखें, इसको इस तरह आप लोग सबकी एक एक पेज पर प्रैक्टिस करनी है। और जो स्टूडेंट्स इसी तरह ही मुझे फॉलो करेंगे इनशाला उनको फुल गाइड करूंगा, और एक महीने के अंदर अंदर वो कोई भी एग्जाम, चाहे वो जो है हाई कोर्ट का हो, ये जो टेस्ट है, किसी भी टॉपिक पे टेस्ट हो या किसी भी डिपार्टमेंट में टेस्ट हो, तो इनशाला वो जरूर कंप्लीट करेंगे हमारा एक महीने का कोर्स करने के बाद। तो हम उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स आप लोगों को आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो यार जाते जाते लाइक का बटन दबाओ और साथ बेल आइकन दबाओ, और साथ साथ आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट बेहतरीन वीडियो के साथ। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, अल्लाह।